हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। रवा की रेसिपी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। केरला स्टाइल अप्पम की रेसिपी। ये केरला स्टाइल अप्पम की रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है, जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाती है और एकदम जालीदार सॉफ्ट बनती है, और ये नाश्ते के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और ये एक ऐसा नाश्ता है जिसे आप बिना तेल के भी बना सकते हैं, बिना ऑयल के भी आप बना सकते हैं। इसे आप नॉनस्टिक पैन में बनाइए या फिर किसी लोहे के तवे पर बनाइए, आसानी से ये बन जाते हैं। और ये कितने सॉफ्ट मुलायम बने हैं, कैसे भी आप इसे फोल्ड कीजिए आराम से फोल्ड हो जाते हैं, और इसे पचाने में भी बहुत ही आसानी है। देखिए कितना सॉफ्ट जालीदार बना है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बबीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पे। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ऐसे ही नई नई रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी रवा लिया है, सूजी लिया है, और ये थोड़ी सी मोटी वाली सूजी है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने हाफ कटोरी खट्टी वाली दही ली है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो रवा थोड़ी सी मोटी है तो हम एक बार इसे ग्राइंड कर लेंगे, सूखा ही पहले ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने सूजी को बस 2 मिनट के लिए चर्न किया था। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक, और डाल देंगे दही 1/2 कटोरी। एक कटोरी सूजी है, 1/2 कटोरी दही है, और 1/2 छोटा चम्मच नमक हमने डाला है। 2 कटोरी पानी डाल देते हैं इसमें, और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं, और ग्राइंडर जार को एक बार फिर से चलाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अप्पम का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, और ये ऐसा ही रहना चाहिए। इसे अब हम ढककर छोड़ देंगे 15 मिनट के रेस्ट करने। उसके बाद हम इसमें इनो डालकर आपको दिखाएंगे अप्पम बनाकर। तो 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर लगाते हैं, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। और 15 मिनट हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए बैटर हमारा अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है, फूल चुका है। तो यहाँ पर हम जो अप्पम का बैटर है उसे हम डिवाइड कर लेंगे, जितना हमें बनाना है अलग ले लेंगे, क्योंकि अगर हम सारे क्वांटिटी में इनो ऐड कर लेते हैं तो बाद में जाकर जो अप्पम है सही नहीं बनता है, उसका जो टेम्परेचर है इनो का वो ख़त्म हो जाता है और ये सही नहीं बनता है। तो जितना बनाना है उतना हमने अलग कर लिया है। इसमें नमक हमने पहले ही ऐड किया हुआ है, इसमें अब डाल लेते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम इसमें डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं। तो इसे अच्छा लुक देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे इसमें इनो पाउडर, तो कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। तो 1/2 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम इनो पाउडर, और थोड़ा सा पानी डालकर 1 स्पून जितना पानी डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स हमने अच्छा दिखने के लिए डाला है और इसे टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं, अगर आपको प्लेन पसंद है तो। तो यहाँ पर बैटर रेडी है, चलिए अप्पम तैयार करते हैं। और यहाँ पर अप्पम तैयार करने के लिए हमने आयरन तवा लिया है, आप कोई भी नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं। तो पहली बार इसमें ऑयल लगाएंगे हम, ये 200 तवा है। तो चलिए इसमें 1 कलछी भरकर बैटर को डालते हैं। तवा गर्म था, फ्लेम को हमने लो रखा हुआ है, तो 1 कलछी हमने डाल दिया है, और इसे हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो ढक देते हैं और ढक कर इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं 10 मिनट बाद। देखिए बहुत ही अच्छा ये पक चुका है, और बहुत ही खूबसूरत इसमें जाली आई है, और देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये तवे से निकल जा रहा है। मैंने इसे आयरन तवा पर बनाया है, आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक तवा पर बिना तेल के भी बना सकते हैं, बिना ऑयल के बना सकते हैं। ये चिपकते नहीं हैं, और नीचे का कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है, ये सिक चुका है। इसे हम निकाल लेंगे, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट। और इसी प्रकार से बाकी के भी हम अप्पम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और आपने देखा है इस बार हमने ऑयल नहीं लगाया है, अब सभी अप्पम हम बिना ऑयल के ही बना लेंगे। इसे हम ढक लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद देखिए बहुत ही अच्छा ये सॉफ्ट जालीदार फूला फूला बना है।
इसमें अब ऑयल की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही ये सीख जाएगा। और एक बार नीचे का कलर आप देख लीजिए, थोड़ा सा गोल्डन आ जाए तो इसे आप निकाल सकते हैं। ऊपर का सरफेस आप देख सकते हैं, पकने के बाद कलर इसका चेंज हो जाता है और ये समझ में आ जाता है कि पक गया है। देखिए जाली बहुत ही खूबसूरत आई है। तो बारी बारी से सभी अप्पम इसी प्रकार से हम तैयार कर लेते हैं। और चिली फ्लेक्स डालने से क्या खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। तो इसी प्रकार से सभी अप्पम हम पका लेंगे। बस 5 मिनट से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ना होता है और ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली और फटाफट से बनने वाली ये हेल्दी सी रेसिपी है, रवा की रेसिपी। आप इसे बिना ऑयल के बना सकते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, थोड़ा सा कच्चा रहेगा तो ऐसा दिखेगा और पक जाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है, 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरत ये जालीदार हमारा अप्पम बनकर तैयार है। हमने इसे सर्व किया है नारियल और मूंगफली की चटनी के साथ। आप इसे कोई भी तरी वाली सब्जी या फिर सांभर के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बने हैं, कोई भी इसे पसंद करेगा, बच्चा हो या बड़ा हो, तो सभी को पसंद। तो व्यूअर्स, इंस्टेंट बनने वाली हेल्दी केरला स्टाइल अप्पम की रेसिपी, रवा की रेसिपी कैसी लगी आपको जरूर बताइए कमेंट करके। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन समय पर सबसे पहले मिलने के लिए। तो देखिए बाकी बचे बैटर को मैं इसी प्रकार से अप्पम तैयार कर लेती हूँ। और बहुत ही अच्छे अप्पम बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे अप्पम तैयार हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप भी वेट ना करते हुए जाइए, बनाइए और एंजॉय कीजिए इंस्टेंट और हेल्दी रेसिपी। कभी भी आप इसे बना सकते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या फिर शाम का नाश्ता हो, सभी को पसंद आएंगी। और बहुत ही जालीदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है और चिली फ्लेक्स डालने से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और टेस्ट भी अच्छा आया है, तो सभी को पसंद आएगी। रेसिपी ज़रा भी अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी नई रेसिपीज डालने के लिए। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। और आपको पीछे का भी कलर दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर आया देखिए। और बहुत ही सॉफ्ट है, तुलतुला है, एकदम सॉफ्ट है। इसे कितनी भी देर रख कर आप इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।